दोस्तों, आज की हमारी कहानी घने जंगलों में रहने वाली एक गर्भिणी मादा गोरिल्ले की है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले मध्य भारत में एक बहुत ही घना और डरावना जंगल हुआ करता था। वह जंगल इतना खतरनाक था कि इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। इस वजह से जंगल के सभी जानवर बड़े सुकून के साथ रहते थे। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से जानवरों की तस्करी करने वाले कालिया और नटवर नाम के दो आदमी उस जंगल में आते हैं और कुछ जानवरों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। कालिया के पास बिजली का झटका देने वाली एक ऐसी छड़ी थी जिसकी मदद से वह जानवरों को आसानी से पकड़ लेता था। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ। बहुत उछल रहा था, चल बंदर पिंजरे के अंदर। धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। उन दोनों का खौफ जंगल में चारों तरफ फैल जाता है और सभी जानवर डर के साए में जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में रूबी नाम की एक मादा गोरिल्ला रहती थी। उन दिनों रूबी गर्भवती थी और बहुत ही जल्द उसके यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन जब यह बात उन दोनों को पता चलती है तो वह दोनों रूबी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कालिया नटवर को रूबी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, अरे भाई नटवर, किसी भी कीमत पर हमें इस रूबी का पता लगाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। एक गोरिल्ला की कीमत करोड़ों में कैसे हो सकती है? रूबी कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है। अपनी प्रजाति में से पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेली बची है। अब तो वह एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है। हमें उन दोनों माँ बेटी की दुगनी कीमत मिलेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा पार्टनर, फिर तो हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, आज के लिए हमने काफी जानवर पकड़ लिए हैं। इससे पहले कि फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों कुछ जानवरों को अपनी गाड़ी में कैद करके ले जा रहे थे कि तभी अचानक सामने आकर रूबी उनका रास्ता रोक लेती है। अरे भाई कालिया, ये तो वही फोटो वाली मादा गोरिल्ला है, ये खुद चलकर हमारे पास आई है। तो फिर देर किस बात की है, अभी इसे पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। कालिया अपनी बिजली का झटका देने वाली छड़ी उठा लेता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। इस जंगल में कदम रखने की तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त सभी जानवरों को छोड़ दो। ये सुनकर कालिया जोर जोर से हंसने लगता है और रूबी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहता है, अरे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो हम इंसानों को धमकी दे रही है। देख, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, सीधी तरह गाड़ी में बैठ जा वरना मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। लेकिन कालिया से डरने की बजाय रूबी उस पर टूट पड़ती है और कालिया की खूब पिटाई करती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, आ मर गया रे। अरे नटवर भाई, बचाओ मुझे। कालिया को इस तरह मार खाता देख नटवर गाड़ी में दुबक जाता है। लगता है अब तेरी अकल ठिकाने आ गई, आज के लिए इतनी पिटाई काफी है। उसके बाद रूबी गाड़ी में कैद सभी जानवरों को आजाद कर कालिया और नटवर की कॉलर पकड़कर कहती है, चलो अब भागो यहाँ से और दोबारा इस जंगल में आने की हिम्मत मत करना। फिर क्या था, दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन, अरे कालिया भाई, उसके डर से आखिर कब तक हम दोनों इस जंगल में नहीं जाएंगे? हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम ठीक कहते हो भाई, वैसे भी जब तक मैं अपनी पिटाई का बदला नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। हम कल ही जंगल में जाएंगे।
लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि अपने साथ एक बंदूक भी लेकर जाएंगे। फिर देखते हैं कि वो रूबी हमारा क्या बिगाड़ लेती है। अगले दिन दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर से कुछ जानवरों को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं। जानवरों की चिल्लाने की आवाज सुनकर रूबी वहां आ जाती है, लेकिन तभी वह एक जाल में फंस जाती है। कालिया रूबी को बिजली के झटके देने लगता है। हो, इसे तड़पता देख मुझे बहुत मजा आ रहा है नटवर भाई। लेकिन तभी रूबी जाल को काट देती है और कालिया की गर्दन पकड़ उसे उठा लेती है। कालिया तड़पने लगता है। अरे नटवर भाई, जल्दी से गोली चलाओ वरना ये मुझे मार देगी। नटवर उसी वक्त बंदूक निकालकर रूबी पर गोली चला देता है। गोली लगते ही रूबी दूर जा गिरती है और तड़पने लगती है। कुछ ही देर में रूबी की मौत हो जाती है। तभी वह फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है। उसे देख कालिया और नटवर वहां से भाग खड़े होते हैं। उधर रूबी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा जन्म लेने वाला था, पर उन दोनों ने मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार दिया। लेकिन मैं उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या रूबी उन दोनों से अपनी और अपने बच्चे की मौत का बदला ले पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें इस कहानी का अगला भाग देखना होगा।